शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियों की लाश मिली है जो स्थानीय आदिवासी समाज की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीनों नाबालिग लड़कियां बीती रात से लापता हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, तभी नजदीक के खेत में बने तालाब से तीनों की लाश बरामद हुई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तीनों दुर्घटनावश तालाब में गिरी और उनकी मौत हो गई। इसमें कल दोपहर में 3 बजे के आसपास गांव की 3 लड़कियां जो हैं, जो नाबालिग हैं, 11 साल की, 8 साल की और 7 साल की, ये आदिवासी समाज की हैं और ये घर से गई थी तो वापस नहीं आई। इनके परिवार वाले जो कि जनरली खेत वगैरह पे और जंगल में काम करने गए थे, तो शाम को इनको ढूंढना चालू किया और कोई कार्यक्रम था शादी वादी का वहाँ पर, तो उस वजह से उनको लगता रहा कि कहीं आसपास होंगी, भाई लड़कियाँ नहीं मिली। तो रात में करीबन 11:30-11:30 बजे इनकी सूचना पुलिस को मिली। इसमें TI देहात और थाना प्रभारी सतनवाड़ा, इन्होंने अपनी टीम लेके और 10-15 लोगों की टीम लेके इनकी सर्चिंग की गई थी। इनकी सुबह वहाँ पर एक मुन्ना गुर्जर का खेत है, खेत में एक गड्ढा बना हुआ है पानी का, तकरीबन 5-10 फीट के आसपास गहरा है, 25-30 फीट का गड्ढा है, वहाँ पर इनकी लाशें मिली हैं। अभी ऐसा जो प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि वो ड्राउनिंग हो गई इनकी, और संभवतः वो पास में एक जामुन का पेड़ है जहाँ जल्दी ये तीनों बच्चे जाते थे, तो वो जामुन से शायद वापस आ रहे होंगे और शायद हाथ में धोने या जो भी गए होंगे, तो उसमें इनकी डेथ हो गई। पुलिस ने इनका बॉडी निकाल के इनका पोस्टमार्टम कराया है अभी सुबह और इस पर कार्रवाई। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।